आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार सी, इजी और चटपटी सी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, जो है पोहे के कटलेट। जी हाँ, बिल्कुल, पोहे के कटलेट जो खाने में लगते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बनाने में है बहुत ज्यादा आसान। तो अगर कभी कोई आ जाए गेस्ट घर पे और कुछ बनाने समझ में नहीं आए कि क्या बनाए गेस्ट के लिए, तो फटाफट से ये पोहे के आप कटलेट बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और जो गेस्ट आए हैं उन्हें भी खाकर मजा ही आ जाएगा कि वाह कितने अच्छे कुरकुरे पोहे के कटलेट बनाकर खिलाए हैं। तो फिर बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये मजेदार सी चटपटी और इजी रेसिपी, और देख लेते हैं कि पोहे के कटलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। पोहे के कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पोहे लिए हैं, 1 बड़ा आलू लिया है उबला हुआ, प्याज ली है, ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, सौंफ ली हुई है, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पोहे को भिगोकर रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। पोहे को मैंने इस तरह से भिगो दिया था, ये देखिए इस तरह से हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, आलू को मैश कर लेना है। तो मैंने आलू को भी मैश करके रखा हुआ है, ये आलू मैश किया हुआ है, इसमें हमें पोहे को डाल देना है। तो हम इसमें सारे पोहे डाल देंगे, ये देखिए जो हम पोहे पोहे बनाने के लिए गलाते हैं उससे थोड़ा गीला पोहा रखना है हमें। अब इन दोनों चीजों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, पोहे को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है हमें, ये देखिए इस तरह से कर लीजिए। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ हाथों से ही इसे अच्छे से मैश करना है क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। ये देखिए बस इस तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ताकि पोहे वैसे ना रह जाए खड़े खड़े से। पोहे को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें सारे सामान डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल लूंगी, उसके बाद इसमें सौंफ, अमचूर, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें, और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी साथ साथ डाल देना है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेना है हमें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं जब, तो इनकी छोटी छोटी बॉल्स लेके हमें इन्हें कटलेट का शेप देना है। आप चाहें जो कटलेट का शेप देना चाहे, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, जो चाहे आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल शेप ही दे रही हूँ, जो ओवल शेप के हम कटलेट बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से, बड़ा छोटा आप जैसा रखना चाहें। बस इसे अच्छे से प्रेस कर करके ऐसे इनको शेप देना है, ये कहीं से मतलब इनमें क्रैक ना हो, ये कहीं से खुले ना रह जाए, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है हमें, वरना ये तेल में जाके बिखर जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे अपने कटलेट तैयार कर लेने हैं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ एक और, ऐसे दबा दबा कर अच्छे से इस तरह से इनको शेप देना है, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं अपने, यहाँ पे सारे कटलेट मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इन कटलेट को ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच अरारोट पाउडर लूंगी, 1 चम्मच में मैदा लूंगी, उनका एक सेमी थिक सा बैटर बनाना है जिसमें जो कटलेट है वो अच्छे से कोट हो जाए। हमें ज्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे उनको तो उनमें एक मोटी सी लेयर आ जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और अगर हम पतला करेंगे तो ब्रेड क्रम उस पर लगेंगे नहीं, इसीलिए हमें सेमी थिक बैटर ही रखना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस टाइप का रखना है, ये ऐसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम एक प्लेट में यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स ले लूंगी, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, मैंने बनाए हुए हैं इनको, इनकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो हम कटलेट को ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कटलेट लीजिए इस तरह से, और इसको इस तरह की स्लरी में डालकर ऐसे कर लीजिए, इसे ज्यादा चम्मच से मत करना वरना ये टूट सकता है, बस हल्के हाथों से ऐसे करके से निकाल लीजिए और ब्रेड क्रम में डाल लीजिए और इस तरह से कोट कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं सारे अपने जो कटलेट हैं उन्हें कोट कर लिए हैं ब्रेड क्रम से। अब इनको करते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल हमें मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम होना चाहिए तेल। देखिए तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें कटलेट डाल देती हूँ, ये देखिए इसी तरह से तेल बिल्कुल इतना ही गरम होना चाहिए।
डालते टाइम इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें, बस एक एक करके जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो उतने ही डालें, एक साथ ज्यादा ना डालें, 3 या 4 से ज्यादा बिल्कुल भी ना डालें, बस इन्हें सिकने दें। 2 से 3 मिनट हो जाएंगे ये अपने आप गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इनको पलटना है, हमें अभी नहीं पलटना है वरना ये फट जाएंगे। तो कटलेट को डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब ये एक साइड से सिक गए हैं तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी। इन्हें झरिए से या किसी भी पलटे से आप इसे धीरे धीरे से पलटना है। ये देखिए इस तरह से इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये सिकना स्टार्ट हो गए हैं। बस इन्हें सिकने में 1 मिनट और लगेगा, ये 1 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए ये सिक गए हैं बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा और डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, बस थोड़ी देर और मैं इन्हें रखूंगी। ये देखिए इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ वरना ये बहुत ज्यादा ही खैरे हो जाएंगे। तो इन्हें फटाफट से निकाल लीजिए किसी टिश्यू पेपर पर, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा तेल है वो ऑब्जर्व कर ले, और फटाफट से इनको सर्व कर लेते हैं हम। मैं इनको सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं या फिर धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको डेकोरेट कर दिया है, ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं डेकोरेट करने में। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने इंटरेस्टिंग से, और ट्रस्ट मी ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपके घर भी कोई गेस्ट आ रहा है तो फटाफट से ये वाली रेसिपी ट्राई करिए, या फिर इवनिंग में अगर भूख लग रही है तो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, थैंक यू।